हाय एवरीवन, आज हम करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट टू फ्रॉम द ल्यूसेंट। गुड इवनिंग सिमरन। हाय मानसी। हाय मिनी। हाय खुशबू। जय हिंद दिव्या। शेयर द वीडियो, जल्दी शेयर कर दो। शेयर एंड लाइक द वीडियो जल्दी सी। फिर 8 टाइम की भी क्लास है, फिर हमारे पास टाइम कम है। हाय शिक्षा। गुड इवनिंग दिव्या। हाय जल्दी कर दो शेयर। जय हिंद। हाय भावना। स्टार्ट कर दूँ? 8 ही बच्चे हैं। आठ बच्चों में स्टार्ट कर दूँ क्या भाई? जय हिंद अक्षिता। अभी बस थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी, कल से स्टार्ट होगी प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है भावना। गुड इवनिंग निकिता। हाँ दिव्या बताओ क्या क्वेश्चन है। गुड इवनिंग कुमारी। ओके थैंक यू भावना। गुड इवनिंग तनिषा। गुड इवनिंग सेरेना। गुड इवनिंग नैन्सी। हाय अनामिका। हाय विनीता। हाँ उसमें कवर हो जाएगा, अगर मेन वीडियो कर रहे हो। मेरी मॉक्स की सारी वीडियो देख लेना, उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है निकिता, मॉक वाली सारी देख लेना। गुड इवनिंग अनामिका। गुड इवनिंग विनीता। जो भी मॉक वाली है, ल्यूसेंट से रिलेटेड है, वो ज़रूरी है। गुड इवनिंग प्राची। ओके फिर करें फिर स्टार्ट, टाइम भी नहीं है। 19 बच्चे, 8 लाइक है। लाइक तो कर दो भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने कल पार्ट वन में कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस करे थे। अभी हम यहाँ थे शायद, हमारा ईईजी पर हमारा खत्म हुआ था वो वाला सेशन। वो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था ईईजी और ईसीजी में। हाय सुमन। हाँ जूम कर रही हूँ, रुको देख तो लूँ कि कौन सा क्वेश्चन करना था। हाँ ये ईजी वाला, ईजी वाला तो याद रहेगा मेरे को हमेशा। चलिए ये भी कर लिया था। अच्छा यहाँ पर थे हम। क्विज में कौन से? अच्छा वहाँ पर ग्रुप में। जब भी मेरे को बिल्कुल टाइम मिलेगा ना, मैं ढाल और वट एवर यू जो भी बोलना चाहे बोल सकते हो। हाय शिवानी। हाय अनिल। 50 क्वेश्चंस कर लिए थे हमने कल, अभी आगे बढ़ते हैं। ओके आगे करें इसको, आप मैच करना है। ग्रुप का नाम, अच्छा टेलीग्राम ग्रुप का नाम इज़
एमएनएस ऑफिसर टारगेट 28 जुलाई, ठीक है? जब आप एमएनएस जीआरपी इस पर करेंगे तो आपको मिलेगा एमएनएस ऑफिसर टारगेट 28 जुलाई, सो उस पर, या क्विक रिवीजन फॉर एमएनएस, ठीक है? ये है टेलीग्राम के चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को करना है मैच। करिए एट्रोपिन, ईथर, नाइट्रोग्लाइसरिन या पायरेथ्रिन, इनको करो। हाय रवीना, हाय निशा, जय हिंद तनुजा। चलो हमने स्टार्ट कर दिया है। बच्चे पता नहीं कहाँ हैं। कंचन कहाँ गई है? अलीशा कहाँ गई? उसमें तो थी। आशी भी नहीं आई है। चलो बताओ इसका आंसर बताइए। देखो एट्रोपिन जो होता है ईथर लोकल एनेस्थीसिया में यूज़ होता है, ठीक है? एनेस्थीसिया में यूज़ होता है। और नाइट्रोग्लाइसरीन जो होता है वो हार्ट बीट में के डिटेक्शन में, एंड पायरेथिन जो होता है वो मॉस्किटो कंट्रोल होता है। तो आप लोग कौन सा ठीक है? आंसर इज डी, डी वाला ठीक है। ओके हाँ, मैं पीडीएफ डी। ओके आंसर इज डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डी चलो ये देखो अभी। विद रेफरेंस टू द ह्यूमन बॉडी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। सोमेटोट्रोपिन गोज अप व्हेन अ पर्सन एक्सरसाइजेस। मेंस टेस्टिस प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, विमेन्स एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट टेस्टोस्टेरॉन। स्ट्रेस कॉजेज द एड्रिनल टू रिलीज वेरी लेस अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल देन यूजुअल। अब बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कौन सी गलत हैं। ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हैं। बता दो आंसर, बता दो अब। बिल्कुल आंसर इज डी, 1 एंड 4। 1 एंड 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये गलत है। टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर आना चाहिए। और एड्रेनल ग्लैंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता कि एड्रेनल ग्लैंड्स हैं तो वुमेन के अलग होंगे और मेन के अलग होंगे, सबके सेम होते हैं एड्रेनल ग्लैंड। चलिए 54th क्वेश्चन। विच वीन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स इनटू दी हार्ट। हाँ निहारिका, बिल्कुल अच्छी बात है ना। चलो कौन सी वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेकर मतलब लंग्स से लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर। वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में कौन सी लेकर आती है वीन? आंसर इज बी, पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन लेकर आती है, जो लंग्स से रिलेटेड होता है ना वो पल्मोनरी होते हैं, ठीक है? सो वीन होगी तो पल्मोनरी वीन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब इसको। विद द रेफरेंस ऑफ इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ HCl सेक्रेटिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डुओडेनम। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है एंटेरोगेस्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन इन रिस्पॉन्स टू दी प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड्स। क्या हुआ, बफरिंग हो रही है? क्या हुआ भाई? बफरिंग है या नहीं है? अभी है या नहीं है? ठीक है चलो, अब बफरिंग नहीं है तो अब मैं आराम से बता सकती हूँ। और एक ने अभी पूछा था कि वीना कावा का क्या फंक्शन होता है, तो वो कैरी करता है ब्लड, ठीक है, हार्ट के अंदर फ्रॉम दी अदर एरियाज, ठीक है, अदर ऑर्गन से हार्ट के अंदर वो ब्लड कैरी करता है, ठीक है, ये होता है। ओके, तो वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को
आठ के अंदर चल ही नहीं रहा कुछ भी। अगर कुछ दिख ही नहीं रहा तो मैं बंद कर दूं फिर। नेटवर्क की दिक्कत है तो मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है? कल कर लेंगे इसको, डोंट वरी। यह भी सही है। ओके बिनीता, मैं इसको बंद ही कर रही हूँ अभी। चल ही नहीं रही तो बंद ही करनी पड़ेगी ना। कल कर लेंगे, ओके? अभी एकदम क्लियर है खुशबू? अब सही है ना? ओके थैंक यू प्राची। अब मेरे को ये बताओ कि मैं बंद करूँ या नहीं करूँ? अभी सही है? दिव्यांशी, इट्स मैम। माई नेम इज़ मैम, प्लीज़ कॉल मी मैम, आई एम नॉट सर। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए ओके ओके, नहीं करते हैं। अब बता दो मेरे को कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग एंजाइम टेक्स प्लेस इन प्रोटीन डाइजेशन। स्टमक के अंदर कौन से एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन डाइजेशन करते हैं? लाइपेस, सेलुलोज, लाइसोजाइम, पेप्सिन। और फिर अब शेयर भी कर दो, 18 बच्चे हो बस। और अब मैं इंग्लिश की क्लास में देखूंगी ना, 8 बजे इतने सारे बच्चे मिलेंगे और मेरी सेशन में पता नहीं क्यों नहीं आए। इंग्लिश की ज़्यादा क्लास अच्छी लगने लगी इनको, इसलिए। ओके आंसर इज डी, पेप्सिन। करेक्ट आंसर इज पेप्सिन। 54 का बताऊं? अच्छा 54 को किया है शेयर। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। चलो 58th क्वेश्चन, विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में से ये चार स्टेटमेंट दिए हैं, पेनक्रियाज का ठीक कौन सा है? पेनक्रियाज इज अ पार्ट ऑफ ओनली द एंडोक्राइन सिस्टम। पेनक्रियाज सेक्रेट्स ओनली इंसुलिन हार्मोन। पेनक्रियाज इज अ पार्ट ऑफ बोथ डाइजेस्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम। पेनक्रियाज सेक्रेट रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स। अच्छा निशा, ठीक है चलो बताओ। यस आंसर इज सी, सी वाली स्टेटमेंट ठीक है। ओके रवीना। अच्छा लास्ट के 3 क्वेश्चन रिवाइज करा दूँ, अभी कराती हूँ, 1 मिनट, एक बार इसका आंसर बता दूँ। ठीक है आंसर है सी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो एंडोक्राइन, वो एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी, और ऐसा नहीं है कि वो इंसुलिन ही करता है। ओके वो इंसुलिन और ग्लाइकोगन दोनों करता है। अच्छा निकिता, यहाँ पे मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, मैं तो मजाक कर रही थी, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है बच्चे हाँ नहीं रहे बट। और रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स तो करते ही नहीं, ठीक है? और लास्ट के एक बार 3 क्वेश्चंस करा देती हूँ मैं। लास्ट के 3 क्वेश्चन थे कि ओके दिव्यांशी, कोई नहीं। चलो लास्ट के 3 क्वेश्चंस मैं एक बार करा देती हूँ कि पहला वाला था कि जो एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम है प्रोटीन में, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में स्टमक के अंदर, जो वो है पेप्सिन। फिर उससे पहले किया था हमने ये वाला कि कौन से, जो ये 2 सेकंड दी गई हैं आपको। क्या नहीं, अच्छा आ नहीं रहे तो कोई नहीं। ये 2 स्टेटमेंट दी गई थी आपको कि इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ एच सी एल, एच सी एल के रिस्पॉन्स में सेक्रेटिन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है डुओडेनम में। सो ये भी ठीक थी स्टेटमेंट, और ये भी ठीक थी, जो एंटेरोगेस्ट्रोन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है और फैटी एसिड को के रिस्पॉन्स में, ठीक है? ये थे। और लास्ट ये था कि जो वीना, जो वीन्स हैं वो कौन सी वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेकर आती है हार्ट में, सो वो थी पल्मोनरी वीन। ठीक है ये लास्ट 3 क्वेश्चंस थे। नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण आपने लिए नहीं होंगे, अब ले चुके हो। अब 59th क्वेश्चन पर आओ। विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट डायफ्राम। डायफ्राम से रिलेटेड कौन सी ठीक है? द डायफ्राम इज आर्क्ड इन नॉर्मल एक्सपिरेशन, द डायफ्राम इज परफोरेटेड इन नॉर्मल एक्सपिरेशन, द डायफ्राम इज फ्लैटर्ड इन नॉर्मल एक्सपिरेशन, द डायफ्राम डजेंट चेंज इन नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन में क्या हुआ निशा, क्या मैं क्या सी आई भाई? चलो बताओ
आंसर क्या है? नॉर्मल एक्सपिरेशन जब हम करते हैं, ठीक है, जब हम सांस छोड़ते हैं, तो जो डायफ्राम है वो कैसा होता है? आर्क्ड, परफोरेटेड, फ्लैटर्ड। देखो, परफोरेटेड तो होता नहीं है, फूल तो जाता नहीं है, ठीक है, फ्लैटर्ड होता नहीं है, डायफ्राम की शेप ही फ्लैटर्ड नहीं होती है, और ये ऐसा तो होता नहीं कि चेंज नहीं होएगा। तो अब आंसर क्या होगा? आंसर तो बता दो। अभी भी आंसर, बिल्कुल आंसर तो अब ए होगा, मैंने बिल्कुल आंसर ही बता दिया था। आंसर इज ए, डायफ्राम इज आर्क्ड इन नॉर्मल एक्सपिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट 60th क्वेश्चन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उसमें क्या होता है? ऑल ऑर्गन्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, या ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? बताओ। आंसर इज डी, 4 बजे होती है फिजिक्स की क्लास, वैसे आजकल होती नहीं है, बट हो जाएगी, कल से हो जाएगी 4 बजे। ठीक है, गुड इवनिंग रिमझिम, गुड इवनिंग। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 61st क्वेश्चन देखो, 61st क्वेश्चन, सॉरी। विच एंडोक्राइन ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज अ पर्टिकुलर हॉर्मोन हुज डेफिशिएंसी मे कॉज गोइटर डिजीज? तो अब बताइए क्या हो जाता है, मतलब गोइटर हो जाता है डेफिशिएंसी से आयोडीन की, तो ये कौन से ग्लैंड को अफेक्ट करता है? हाइपोथैलेमस, पेनक्रियास, थाइमस, थायराइड ग्लैंड। गुड इवनिंग शंभवी, यस, सो द आंसर इज थायराइड ग्लैंड। बिल्कुल ठीक है, आंसर इज थायराइड ग्लैंड, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62nd क्वेश्चन। इन ह्यूमन बॉडी व्हाट इज द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रेट? सर्वाइकल वर्टिब्रेट के नंबर कितने होते हैं? 5, 7, 8, 12। दिव्यांशी, अच्छा ठीक है, ओके दिव्यांशी, ओके रिमझिम। सो सर्वाइकल वर्टिब्रेट कितने होते हैं? 12 नहीं होते, 12 होते हैं क्या? हाँ, श्योर हो? अभी भी देख लो। हाँ दिव्यांशी, हाँ सही देते हो, मैं देखती हूँ। 12 क्यों बता रहे हो? नहीं होते 12, 7 होते हैं। हाय नया ना, हाँ रूहानिका, निकिता, करेक्ट, शंभवी, पूजा, 7 होते हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेट होते हैं। चलिए, सभी 12 बताए जा रहे थे, मुझे खुद पे डाउट हो गया कि कभी मैं ही गलत बोल रही हूँ 7। चलो 63rd क्वेश्चन। विच इज़ दी लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, बोन कौन सी है? फीमर, टीबिया, फिबुला, ह्यूमरस? हाँ थोरैसिक वाली होगी। हाय आशी, यस, थाई बोन होती है, फीमर, करेक्ट, आंसर इज ए, फीमर होती है, 12th थोरैसिक की होती है, बिल्कुल। चलिए 64th क्वेश्चन। हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ विच ब्रे ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, किस ऑर्गन का पार्ट है? ब्रेन, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, लिवर? आशी अलीशा कहाँ पर है, कंचन कहाँ पर है? यस, आंसर इज ब्रेन, ब्रेन का पार्ट है, बिल्कुल, आंसर इज ब्रेन। नेक्स्ट 65th क्वेश्चन। एथलीट्स विद हायर प्रपोर्शन ऑफ रेड फाइबर्स इन देयर मसल आर बेटर इक्विप्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब अगर एक एथलीट के रेड मसल्स हैं ज़्यादा, तो वो किस में अच्छे होंगे? स्विमिंग, स्प्रिंट, शॉर्ट एक्टिविटीज, शॉर्ट पुट? ओके दिव्यांशी, मैं पूछ लूंगी अगली बार से, मैं बिल्कुल पूछूंगी, वेयर इज दिव्यांशी?
ठीक है दिव्यांशी, डोंट वरी, आंसर इज ए स्विमिंग। ठीक है आंसर इज ए स्विमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेसिस्टोकाइनिन इज अ हार्मोन विच व्हेन इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी, फिर वो क्या करता है अगर कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, तो वो क्या करता है? इंक्रीज एपिटाइट, इंक्रीज एपिटाइट इन थर्स्ट, डिक्रीज एपिटाइट, डिक्रीज एपिटाइट इन थर्स्ट, तो वो क्या करता है? वाई स्विमिंग, जो रेड फाइबर्स होते हैं ना तो उनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, अगर जिसके पास वाइट फाइबर्स है, सॉरी रेड फाइबर्स है, वाइट फाइबर्स नहीं, रेड फाइबर्स हैं, तो वो उनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, वो ज़्यादा एक्टिविटी कर पाएंगे। ओके फास्ट करूँगी, अगर आपको कोलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है सो आंसर इज डी, डिक्रीज कर देता है एपिटाइट, ठीक है, भूख कम लगती है जब अगर कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन को कर देंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके 68th क्वेश्चन देखो, द ट्रैकिंग ऑफ पीपल बाय ट्रेंड डॉग्स इज बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द स्वेट फ्रॉम फीट, जो डॉग्स होते हैं उनको ट्रेन डॉग्स होते हैं ना जिनकी मदद से हम वो करते हैं, वो सूंघ कर बताते हैं, तो वो क्या होता है, ऐसा कौन सा कंपाउंड होता है उनके स्वेट में फ्रॉम द फीट, फीट से जो वो ऐसे पता लगा पाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, यूरिक एसिड, शुगर, सॉल्ट, तो उनके स्वेट में। गुड इवनिंग शुभम, नहीं सॉल्ट नहीं होता, मतलब सॉल्ट होता है ओके स्वेट में, बट वो जो जिससे वो डिटेक्ट कर पाते हैं, तो वो कौन सा कंपाउंड होता है? 60th क्वेश्चन पारसी, अभी बताती हूँ, एक मिनट। 60th क्वेश्चन थे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो उसका आंसर था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके नहीं चलो ओके स्नोबर, इट्स ओके, नहीं लेट हो तो क्या हो गया, सभी लेट हैं। चलिए आंसर इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, उसकी मदद से वो पता लगा पाते हैं। ओके फ्रॉम दी फीट, जो भी स्वेट होता है फीट में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को वो कर पाते हैं और उससे उनको पता चल जाता है। ओके गुरलीन, इट्स ओके, हाय, हाँ मैं पीडीएफ तो सेंड कर दूंगी, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट करो, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इज अ, क्या होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स? होमोलॉगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, एनालाइटिक ऑर्गन, ये ल्यूसेंट है जो ग्रुप, दिस इज ल्यूसेंट, यस आंसर इज बी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी आप फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, तो किस एंजाइम के कारण होता है? प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बिन, यस आंसर इज बी करेक्ट, थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज से कन्वर्ट होता है फिब्रिनोजन फिब्रिन में। नेक्स्ट देखो, अभी 72 क्वेश्चन देखो, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड, एनर्जी जो है वो हमारे मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है लाइफ के लिए, सो ये किससे ऑब्टेन होती है? मेटाबॉलिज्म, फेगोसाइटोसिस, फोटो रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन, एनर्जी कैसे मिलती है? बिल्कुल ब्रेकडाउन से, मेटाबॉलिज्म से, सो द आंसर इज ए मेटाबॉलिज्म।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 73rd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्व्स, नर्व्स का पार्ट नहीं है, कौन से, एक्सन, कनेक्टिव टिश्यूज, सैचमन सेल्स, स्मूथ मसल्स. सेवेंटी वन बताऊँ, एक मिनट अभी बताती हूँ. 71, 71 हमने नहीं करा, वो अलग अलग वो थे ना, इसीलिए. चलो बताओ 73rd का बताओ. नहीं ज़्यादा टफ नहीं होता पारसी, डोंट वरी. आंसर इज बी, आंसर इज बी, कनेक्टिव टिश्यू इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आंसर इज बी. चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपने पहले भी कर चुके हो आप. द बफर एक्शन ऑफ ब्लड इज स्लाइटली बेसिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ब्लड में ऐसा क्या होता है कि वो स्लाइटली बेसिक हो सकता है, बताओ. एक मिनट, कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, तो वहां पर नर्व्स का क्या काम है बताइए, वहां पर नर्व्स क्या करेंगी. स्मूथ मसल में तो हमें करना पड़ता है ना कि हमें ये कि उन्हें हमें मूव करना पड़ता है, कनेक्टिव टिश्यूज में क्या करोगे आप नर्व्स का. चलिए 75th क्वेश्चन का बताओ कि स्लाइटली बेसिक किन के प्रेजेंस से होता है हमारा ब्लड. आंसर इज सी, आंसर इज सी, क्लोरीन आयन एंड एच सी ओ 3-. हाँ ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल है. तो इसमें कौन से नर्व्स होते हैं भाई. चलिए नेक्स्ट 76th क्वेश्चन बोलो. हाँ हाँ कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, बिल्कुल होता है. चलिए ये आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है हीमोग्लोबिन पर, और आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. इट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, इट इज आयन कंटेनिंग कंपाउंड, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस, इट इम्पार्ट्स रेड ब्लड, रेड कलर टू द ब्लड. हीमोग्लोबिन के बारे में बताना है आपको, ठीक है. 73 का आंसर नितेश, एक मिनट, 73 का आंसर इज कनेक्टिव टिश्यू, ओके, जहाँ पर नर्व प्रेजेंस नहीं होती. अच्छा आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट ठीक है. यस आंसर इज डी, 1, 2 and 4. ठीक है, इम्यूनिटी में तो नहीं होता ना, वो तो WBC का काम है, और हीमोग्लोबिन तो नहीं होता. चलिए 77th क्वेश्चन, दी सर्ज ऑफ विच हार्मोन स्टिमुलेट्स ओविलेशन इन ह्यूमन फीमेल्स. ओविलेशन किस हार्मोन से होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन. ओविलेशन किस हार्मोन से होती है, आंसर इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज द करेक्ट आंसर, ओके, LH. नेक्स्ट 78th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा. सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन, टाइलिन, रेनिन, एरिप्सिन. हाँ LH सर्ज भी होता है, बिल्कुल, जहाँ पर वो पीक पॉइंट पर होते हैं LH, जब हार्मोन सेक्रीट करते हैं. 73 का आंसर नितेश कनेक्टिव टिश्यू है, ओके, जहाँ पर नर्व्स नहीं होती हैं. सो आंसर इज टाइलिन, अमाइलेज बोलते हैं इसे, सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन. ठीक है, सलाइवा में होता है ये. चलिए 79th क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. लूप ऑफ हेनली, किडनी, फिलोपियन ट्यूब, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एपिडिडाइमस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉपर्स ग्लैंड, इंटेस्टाइन. चलो बताओ, अभी किसी ने शायद ये पूछा होगा FSH. गुड इवनिंग सुनीता. अच्छा FSH का क्या काम होता है, FSH का काम होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करती है, ओके, और जो एग्ज होते हैं उनको स्टिमुलेट करती है,
ठीक है, वो सर्ज की बात हो रही थी इसलिए वहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया। ओके, वैसे FSH भी जो वो होता है ग्रोथ ऑफ एग्स होता है उनको करता है ओवरीज के अंदर। ठीक है, जय हिंद रिचा, गुड इवनिंग लक्ष्मी। सो यस, आंसर इज डी, कॉपर्स ग्लैंड, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ओके, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट, 80th क्वेश्चन, वेब पोर्टल डेकनेट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? शायद ये क्वेश्चन इसमें आना भी नहीं चाहिए बट पता नहीं फिर भी आ गया है। वेब पोर्टल डेकनेट इज रिलेटेड टू ई एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ई लॉजिस्टिक्स। बता दीजिए अगर किसी को पता है तो। ओके, ई कल्चर से ही रिलेटेड है। ओके, ई कल्चर से। चलिए नेक्स्ट, 81st क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ओके मैं बताऊंगी, डोंट वरी, एक बार मैं क्वेश्चंस करा दूं। ओके शिक्षा, मैं 7:50 पर क्लास ऑफ कर दूंगी, मुझे पता है 8 PM पर आपकी क्लास है। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ एस्परजाइलस आर, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एस्परजाइलस के क्या होते हैं? स्पर्मेटियम एंड ओगोनियम, एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम, स्पर्मेटियम एंड एस्कोगोनियम, एंथ्रीडियम एंड एस्कोगोनियम। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम इज द करेक्ट आंसर। अच्छा हाँ, कोरोना से बिल्कुल सही याद दिलाया, कल करेंगे ठीक है 2 PM पर स्नोबर। ओके, रिलेटेड कोरोना रिलेटेड क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो एट 2 PM इन द करंट अफेयर्स क्लासेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पसल्स? वाइट ब्लड कॉर्पसल्स का मेन पर्पस क्या होता है? टू कैरी न्यूट्रिएंट्स, टू कॉम्बैट इन्फेक्शन, टू कैरी ऑक्सीजन, टू गिव स्ट्रेंथ। हाँ, वैक्सीनेशन, कोरोना, सब कुछ उसमें आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, सो आंसर इज टू कॉम्बैट इन्फेक्शन। ठीक है, अच्छा कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? कॉम्बैट का ये इंग्लिश मैंने करवा दिया, बताओ कॉम्बैट का क्या होता है, सिनोनिम क्या होगा? कॉम्बैट का मतलब क्या होता है भाई? कॉम्बैट का मतलब होता है टू फाइट, रेजिस्ट, फाइट करना, लड़ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला ये लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन एनेस्थीशिया? एनेस्थीशिया में कौन यूज किया जाता है? N2, N2O, CH4, CO2। एनेस्थीशिया में कौन सा यूज होता है? बिल्कुल आंसर इज N2O। ठीक है, आंसर इज N2O होता है यूज एनेस्थीशिया में। नेक्स्ट, 87th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंटर ऑफ हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप? मेन पार्ट कहाँ पर है हंगर का, थर्स्ट का, स्लीप का, जहाँ से हमें सिग्नल मिलते हैं? हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। केमिस्ट्री क्लास सुचित्रा 6 PM पर हो चुकी है, मैंने ली थी अभी 6 PM पर। ओके, सो आंसर इज हाइपोथैलेमस, आंसर इज हाइपोथैलेमस। ओके, और मेडुला ऑब्लोंगेटा किसके लिए होता है? रेस्पिरेशन के लिए होता है। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर? यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है भाई? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। बिल्कुल आंसर इज ए बी पॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन स्टमक प्रोड्यूसेस एसिड, एक्स एसिड,
तो तुम्हें सीधा से ये बताना है कि कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है जो स्टमक है, वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबको ही पता होगा ये। ठीक है, ये दो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 90th क्वेश्चन, विच वन ऑफ दी अमंग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टमक इज नॉट करेक्ट, इन चार स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, जो करेक्ट नहीं है। स्टमक एक्ट एज अ टेम्पररी रिजर्वॉयर, स्टमक मिक्सेस फूड विद गैस्ट्रिक जूस, स्टमक सेक्रीट्स लाइपेज एंड एमाइलेज इन गैस्ट्रिक जूसेस, रेट ऑफ स्टमक एम्प्टिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड, जो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है इन चारों में से, 90 का बताओ कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इनमें से। यस, आंसर इज सी, एमाइलेज तो होता ही नहीं है, बिल्कुल आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, कौन सा ऑर्गन ब्रेक डाउन करता है फैट्स का टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, इंटेस्टाइन, लिवर, लंग्स, किडनीज। फैट्स का कौन करता है भाई ब्रेक डाउन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कौन करता है, किसका फंक्शन होता है, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है उसका ही होता है। हाय कीर्थना, यस आंसर इज लिवर, लिवर इज दी करेक्ट आंसर। ओके चलो अभी हम अपना सेशन क्लोज करते हैं, 8 PM पर कुकी मैम की क्लास है। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन, आई होप यू लाइक इट। मैं ल्यूसेंट से करा रही हूँ प्रकाश, ल्यूसेंट, हंड्रेड तक करवा दूँ। ओके थैंक यू। अच्छा मेंस्ट्रुअल साइकिल, अभी तो अभी बताऊँ यार तुम्हें, टाइम तो नहीं हो जाएगा। हाँ क्लास ख़त्म हो गया। ओके थैंक यू निकिता, अभी कराऊँ क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज। अभी मेरी क्लास सुबह 8 AM पर। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस। ठीक है चलो मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। ओके बताऊँ, हाँ मैं कल करवाऊँगी पक्का, कल पक्का कराऊंगी मैं कोरोना के। ठीक है, तो हमें सबको पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 to 29 डेज की होती है। ओके फिर इसके अंदर आता है, फेजेस आते हैं। ठीक है, पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, आपके बुक में होगा एक डायग्राम है बुक के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो पहले होता है मेंसुरेशन से स्टार्ट करते हैं हम उसमें। ठीक है, सो 1 से 5 डेज तक या 6 डेज तक होते हैं मेंसुरेशन, फिर मेंसेस होते हैं, देन जो यूट्राइन के इवेंट्स होते हैं वहाँ पर। ठीक है, यूट्राइन जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है एंड दी ब्लड मूव्स आउट, दैट इज मेंसुरेशन एंड दी मेंसेस। हाय मानसी, देन कम्स दी फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटेड फेज भी बोलते हैं उसको, जो 6 या 6 डेज के बाद फिर 15 डेज तक होता है, जहाँ पर जो LH होता है वो सर्ज पर, मतलब ऊपर उनकी वो पीक पर होता है, वहाँ पर जो फॉलिकल होता है वो मैच्योर होता है। ठीक है, मेच्योर फॉलिकल होता है, देन फिर ओव्यूलेशन होती है। ओके फिर आता है ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज में आता है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम आता है, इसमें सेक्रेटरी फेज होता है। सेक्रेटरी फेज क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये सेक्रीट करता है किसको, प्रोजेस्ट्रॉन को, प्रोजेस्ट्रॉन हॉर्मोन को ये सेक्रीट करता है, इसलिए उसको सेक्रेटरी फेज बोलते हैं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं। फिर इसके बाद जो होता है, जो फिर आता है रिग्रेशन कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब कि 15 डेज के बाद भी, 15 डेज टू 25 डेज के बीच में, फिर 25 डेज के फिर बाद में दोबारा जो 29th डे आता है या 28th डे आता है, फिर दोबारा नेक्स्ट साइकिल बिगिन होती है। ओके अब आया समझ, ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज एंड द फेजेस। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी उसमें।
अभी आ गया समझ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा मैं अब बंद कर रही हूँ। ओके स्नोबर, चलो लेट्स क्लोज दिस सेशन नाउ। हाँ ठीक है, ये 8 बजे मैम की क्लास है। गुड इवनिंग काजल, चलो लेट्स एंड कमेंट डाउन बिलो हाउ वाज दिस सेशन प्लीज। ओके बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, गुड नाइट।